सब्सक्राइब कीजिए सुनीता राघव रसोई को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक उत्तपम टोस्ट। एक कटोरी सूजी, दो बड़े चम्मच ओट्स जिनको हमने थोड़ा सा भून के पीस लिया, पालक और मटर की प्यूरी। पालक को हमने खौलते पानी में एक मिनट के लिए डाला, उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में हमने एक मिनट के लिए डाल दिया और उसके बाद प्यूरी बना ली, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो टमाटर बारीक कटे हुए, हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई और साथ में ही धनिया, वो भी इसमें डाल देंगे। स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, दो बड़े चम्मच दही। इन सबको हम थोड़े से पानी की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें मिला लेते हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं, हमारा घोल तैयार है। इस तरह का घोल हमें चाहिए। अगर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप पानी या दही और मिला सकते हैं। चलिए अब हम टोस्ट बनाते हैं। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच और इसको फैला देंगे। आँच हमने धीमी रखनी है और इस पर टोस्ट रख देंगे। ब्राउन ब्रेड लिए हमने, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। एक साइड से हम इनको अच्छे से सेकेंगे और इसके ऊपर जो हमने बैटर बनाया था वो फैला देंगे अच्छी तरह। अब हम 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे इसको बिल्कुल धीमी आंच पे। अब हम चेक कर लेते हैं, ऊपर से घी हम थोड़ा सा और लगा देंगे इसमें और इसके किनारे में भी डाल देंगे ताकि नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। नीचे से टोस्ट सिक गया है, अब हम इसको पलट लेते हैं आराम से और धीमी आंच पे दोनों तरफ हम अच्छी तरह सेकेंगे इसको। अब हम इसको धीमी आंच पे दबा दबा के सेकेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। अब इनको हम पलट लेते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से सिक गए हैं। इसी तरह हम बाकी टोस्ट भी तैयार कर लेते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म पालक उत्तपम टोस्ट तैयार है। आप इसको हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। दोस्तों, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इनको रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।